हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन अवी गेमिंग हब। हैशटैग रोबोट के लिए आए हो यहाँ पे। तो गाइस, तुम लोग सही जगह पे आए हो। आई नो, आई होप गाइस तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो कि एक ऑसम सोलो किया था मैंने डॉक्टर डूम से। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं किससे फाइट? द एब्जॉर्बिंग मैन से, हैशटैग रोबोट से। कौन होने वाली है? वो होने वाली है ग्लूटिन 2099। सो लेट्स होप कि यार फॉर अ सोलो, और नहीं होता है तो बड़ा दुख होगा गाइस। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देयर विल बी मोर टफेस्ट, आप कह सकते हो, कंटेंट ऑन दिस चैनल इन हिंदी। सो लेट्स गो। सो गाइस, लेट्स डू इट इन आर ओन स्टाइल। मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे मारना है इस एब्जॉर्बिंग मैन को। तो पहली चीज़ तो 7-स्टार रैंक 3 ग्लूटीन में लेके गया था, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें 7-स्टार रैंक 3 होना ग्लूटीन का, नहीं कर पाओगे नहीं तो। अब आप लोग देख सकते हो या कर भी सकते हो, भाई बहुत अच्छा खेलो आप लोग तो ज़रूर कर सकते हो, बट भाई मेरे से नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ये चीज़ शेयर करी। अब देखो आप लोगों ने उसकी फॉर्म मैंने हटा दी। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उसे वन वार ऑफ पावर से नीचे रखूँ और मैं उस अनस्टॉपेबल टाइमर को भी मैनेज रखूँ। जैसे जब भी वो अनस्टॉपेबल होगा तो मैं बस उसे पैरी करके एक हिट मार दूंगा और पीछे हट जाऊँगा, जस्ट बिकॉज कि मुझ पर भाई वो डीजन ना आए। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो उसकी मैंने पावर फिट से चूसने के लिए स्पेशल वन का अपना यूज़ किया है, बट वो अभी भी स्टिल स्पेशल वन पे है एंड ही इज़ वॉज अनस्टॉपेबल। अब यहाँ पे मैंने उसकी स्पेशल वन के बाद उसकी फॉर्म को हटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया अपने रिलिक को यूज़ और तुरंत अपनी स्पेशल वन। बट यार क्या प्रॉब्लम है पता है, स्पेशल वन का टाइमर बहुत ज़्यादा बिग है यार, मतलब लिटरली ही वॉज मतलब परेशान कर दिया था भाई इस एब्जॉर्बिंग मैन ने। अब यहाँ पे मैंने पहले ही रिलिक मार दिया, वो स्पेशल वन मार दिया, फिर से वो अनस्टॉपेबल है। द सेम थिंग, पैरी करके एक हिट मार देता हूँ भाई, अपना डीजन बचाता हूँ। ठीक है, फिर से वही चीज़ें सिंपल सी जो भी मैं करते हुए आ रहा था इतने टाइम से। ठीक है, और फिर से वो अनस्टॉपेबल है तो भाई मेरे को तो बचना ही है उससे। एक तो उस पर रीजन आ चुका है तो वहाँ से तो बचना अपना तय रहा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसकी स्पेशल 2 भी बन गई थी, बट लिटरली दिस वॉजेंट अ प्रॉब्लम फॉर मी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अनस्टॉपेबल था तो मैंने बस वही चीज़ करी जो मैं करते हुए आया था। अब मैं चाहूँगा कि वो अपनी स्पेशल 2 को बेसिकली यूज़ करे, बट ऐसे टाइम पे करे कि वो अनस्टॉपेबल ना हो, वरना भाई मैं फंस जाता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये हुआ और मैंने अपनी स्पेशल यूज़ करी और मैंने उसकी फॉर्म तोड़ दी। अब आप लोग देख सकते हो कि उसकी स्पेशल 1 जो है, उसकी जो बार ऑफ पावर है वो मुझसे अभी कम थी, अब वो फिर से अनस्टॉपेबल हो गया। तो वही पैरी एंड वन हिट वाला प्लान। ठीक है, तो उसके बाद में जब उसकी पावर आप लोग देख सकते हो और मेरी पावर भी देख सकते हो, मैंने बस उस पर ये वाली फॉर्म यूज़ करी और फिर मैंने कोशिश करी कि भाई वो स्पेशल यूज़ ना करे। एंड देन मैंने उसे पैरी करके एक है मतलब एक हिट मारा जिससे मेरे ऊपर डीजन ना आए। फिर उसके बाद में मैंने अपनी स्पेशल वन कह सकते हो आप लोग यूज़ करी थी, बट उसने यार ब्लॉक कर दी थी, बट पावर ड्रेन तो होती है और फिर से वो अनस्टॉपेबल है। मैंने वन हिट मारा, अपने डीजन को बचाया, फिर उसके बाद में मैंने फिर से आगे लेके गया हूँ, पुश किया जितना कर सकता था। अब उसके बाद आप लोग देख सकते हो वो अनस्टॉपेबल भी होने वाला है, तो मैं समझ गया था भाई अब चीज़ें ख़राब हो रही हैं धीरे धीरे। तो मैंने कोशिश करी कि भाई वो जब भी अनस्टॉपेबल हो मैं उसे छू ही ना। अब मेरा प्लान सिंपल था कि भाई अगर उसकी स्पेशल 3 पुश हो रही है तो मैं करूँगा और फिर उसे मारूँगा स्पेशल 1 अपनी ऐसे। ठीक है, बट वो अनस्टॉपेबल था तो थोड़ा सा रिस्की था मेरे लिए, पर मैंने कर लिया था बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप लोग देख सकते हो कि वो स्पेशल 3 तक पुश होने वाला था, बट मैंने अपनी स्पेशल 1 बना के उसे मार दिया एंड अगेन ही इज़ अनस्टॉपेबल। तो मेरा सिंपल प्लान यही था कि भाई जब भी वो अनस्टॉपेबल होगा तो मैं उसे ऐसे करके हिट मार दूंगा, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया मेरा यही प्लान रहा है। अब फिर मैंने मारी अपनी स्पेशल 1, उसका टाइमर देखने से पहले ही मार दी क्योंकि मुझे पता था कि वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा तो मेरे लिए दिक्कत पैदा कर देगा। फिर अगेन वही प्लान्स मेरे बेसिक वाले कि भाई उसकी स्पेशल 2 बनानी है और अपनी स्पेशल 1 मार देनी है एंड अगेन ही इज़ गेटिंग अनस्टॉपेबल। तो वो एक इशू बन जाता है अनस्टॉपेबल वाला, तो मैं उसे बस एक हिट मार के पीछे हट जाता हूँ एंड अगेन उसने अपनी फॉर्म बनाई और मैंने उसे डीएक्टिवेट कर दिया बहुत आराम से एंड अगेन गाइज ही इज़ गेटिंग अनस्टॉपेबल। तो वहाँ पे तो डर हो जाता है यार अनस्टॉपेबल में कि भाई नहीं, अब नहीं मारना है यार। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसका रीजनरेशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो चुका है गाइस। अब वो फिर से अनस्टॉपेबल है भाई, मैंने पीछे हट गया और मैंने वेट किया कि भाई अब मैं उसे स्पेशल 2 तक उसकी पुश करूँ। यहाँ पे मैंने इसलिए मारा जिससे उसकी रीजन रुक जाए, बट गाइस यहाँ पे मैं ना फंस गया था लिटरली, मैं बता रहा हूँ। और बट हुआ क्या था, कुछ एक आप कह सकते हो मेरी किस्मत थी या क्या था,
कि मैं इस चीज़ से बच गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये लिटरली रिकॉर्ड हो गई है बचना, वरना लिटरली वहाँ पे तो गेम ओवर हो चुका था अपना। कह सकते हैं हमारी मेहनत जो है उसने, शायद किस्मत ने हमारा साथ भी दिया, पहली बार आज तक तो दिया नहीं था। अब फिर से वो अनस्टॉपेबल है तो भाई वही बेसिक हमारा फंडा, ठीक है फिर भाई बस पूछो मत मेरी हालत। और वो जब 6000 रीजन कर रहा है ना, तो मतलब मेरे दिल की जो आप कह सकते हो सारी, मतलब दर्द होता है मेरे दिल में जब वो रीजनरेट कर रहा होता है। अब फिर से भाई वही प्लान मेरा, अनस्टॉपेबल स्पेशल वन। अब अनस्टॉपेबल से पहले भैया पीछे हटना है मेरे को, फॉर्म उसकी ख़त्म हो गई है, मैंने उसे भाई एक हिट मार दिया जैसे सपोज जो मैं कहते आया हूँ स्टार्टिंग से कि भाई मैं करूँगा यही, ठीक है। अब उसका अनस्टॉपेबल टाइमर देखने से पहले मैंने मारी अपनी स्पेशल वन जिससे मैं ट्रेन कर पाऊँ, फिर से वो अनस्टॉपेबल है भाई सिंगल हिट भाई। लिटरली दिस फाइट वॉज रियली हिलेरियस गाइस, बहुत मेहनत लगी थी यार, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है फाइट। द रीजनरेशन रेट ही शोइंग गाइस बहुत ट्रिमेंडस था, और यहाँ पे वो अनस्टॉपेबल वही बेसिक फंडा भाई। ठीक है अनस्टॉपेबल है बंदा, कुछ नहीं कर सकते यार। अनस्टॉपेबल डीएक्टिवेटेड, तो गाइस कोशिश तो पूरी करी गई है कि भाई इसको सोलो किया जाए, बट आप लोग इस एफर्ट को अगर सही में कुछ मानते हैं तो आप लोगों को सही में आज सपोर्ट करना चाहिए यार इस वाली वीडियो पे, क्योंकि यार लिटरली दिस वॉज मेहनत यार, मेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत करी है इसको हराने में। ठीक है स्पेशल टू मैंने इसलिए मार दिया भाई कि उसका जो रीजनरेशन आने वाला है उससे मैं बच जाऊँ, एंड यहाँ पे वो अनस्टॉपेबल भी है और मैंने उसकी स्पेशल टू मरवाई है जानबूझ के, क्योंकि भाई बस फॉर्म की बात थी। गाइस आई नो इट वॉजेंट अ सोलो, बट गाइस क्या कर सकता हूँ ना, मेरे पास रिवाइव्स नहीं है, मेरे पास पोशंस नहीं है, रियली मैंने नेक्रोपोलिस में सब यूज़ कर दिया, एंड कल एक बहुत बड़ी गलती करी है उसकी भी वीडियो बनाऊँगा मैं, तो मेरे यूनिट्स यूनिट्स आप देख सकते हो बहुत कम है, तो मैंने यार अभी रिवाइव किया नहीं है, बट आई श्योरली हैव 3 or 2 रिवाइव्स, देन मैं श्योरली इसको कर लूँगा। बट आई नो गाइस आप लोगों को मेथड समझ में ज़रूर आया होगा और आपको इससे हेल्प मिलेगी वीडियो से, ठीक है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थंब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लव यू गाइस।